बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बरवक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। बिरयानी बनाने के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए। इसके अलावा हमें लेमन जूस चाहिए, 3 से 4 पके हुए टमाटर, आलू, हरी मिर्चें और ताज़ा धनिया चाहिए। सूखे मसालों में हमें कड़ी पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्चें, कसूरी मेथी और काला ज़ीरा चाहिए। इन मसालों में हमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। इन सब मसालों की मकदार आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ये प्याज हैं हमारे पास 3, जिसे हमने ब्राउन कर लिया है। 1/2 किलो दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चावल है और चावल के साथ जो ट्रे में मसाले रखे हुए हैं, इन सब मसालों को जो है वो हम पानी में डाल के चावल उसी पानी में उबालेंगे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे मसाले, इसमें तेज़पत्ता है, सिनेमन है, बादियान का फूल है, काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है और बड़ी इलायची है। जिस तरह से हम अपनी हर रेसिपी में करते हैं, उसी तरह से एक प्याले के अंदर हम सारे मसाले जो हमने अभी आपको बताए थे और जिनकी मकदार आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आई होगी, वो सब शामिल कर दीजिए। इस तरह से आपका बिरयानी मसाला एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और पकाते हुए हमें बैक वक्त जो है वो डालने में आसानी होगी। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बिरयानी मसाले की फ़ाइनल शक्ल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसी मसाले को डबल और ट्रिपल करके जो है वो किसी एयर टाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो आपको ये सारे मसाले इकट्ठे ना करने पड़ें। बिरयानी बनाने के लिए उससे पहले कोरमा तैयार करना पड़ता है और नॉर्मली बिरयानी के कोरमे में इस तरह के मसाले हमेशा साबित होते हैं, तो इसीलिए हमने इलायची, दालचीनी या तेज़पात को पीसा नहीं है। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ज़रूर इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें बिरयानी अपनी ऑथेंटिक शक्ल में ही अच्छी लगती है तो हम इसको नहीं पीसेंगे। ये आप देख लीजिए, जब आप सारे मसाले शामिल कर देंगे तो बिरयानी मसाले की फ़ाइनल शक्ल क्या होगी। हम हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो तेज़पात के छोटे पीसेस कर देंगे। ये देख लीजिए, हम ये मसाला चिकन की बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम मसाला आप मटन बिरयानी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमक मिर्च तेज़ खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे मसाले की तरकीब में बहुत मुनासिब नमक और मिर्च है, लेकिन जिन लोगों को तेज़ मसाला पसंद है वो उसकी क्वांटिटी को ज़रूर एडजस्ट कर लें। ये देख लीजिए फ़ाइनल शक्ल बिरयानी मसाले की। इसको बनाइए और किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके रख लीजिए। हमने 1 कप ऑयल गरम किया है। अब हम इसके अंदर जो है वो चॉप किए हुए टमाटर डाल रहे हैं। हमने चूँकि प्याज को पहले से ही ब्राउन करके रखा हुआ है तो इसलिए हमने पहले टमाटर डाल दिए हैं, लेकिन आप इस स्टेज पे पहले प्याज को ब्राउन करें। प्याज ब्राउन हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर टमाटर डालें और फिर ये वाला प्रोसेस कीजिए कि उस वक्त तक आपने इसे पकाना है जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसके अंदर चिकन शामिल कर दीजिए। अब आप चिकन को भी ज़रा भूनिए। इसके अंदर आप इस वक्त लहसुन अदरक भी डाल दीजिए। चिकन को अच्छी तरह से भून लीजिए उन तमाम मसालों के साथ जो हमने अभी आपको दिखाए थे। ये देख लीजिए, मसाले शामिल कर दिए हैं मैंने और इसके साथ आप चिकन को अच्छी तरह से भून लें। चिकन का पानी जब खुश्क होने लगेगा तो हम आपको बताएंगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तेज़ आंच पर चिकन को आपने फ्राई करना है ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए और इसके सारे जूसेस जो हैं वो अंदर ही सीम हो जाए। जब भी हम चिकन पकाते हैं तो सबसे पहले इसे तेज़ आंच पर फ्राई करना है।
चिकन जो है वो हमारी तकरीबन भुन चुकी है। चिकन जब भुन जाए तो इसके अंदर आप फ्राई शुदा प्याज डाल दीजिए और दही भी डाल दीजिए। अगर आपने प्याज पहले स्टेज पे फ्राई किया था तो वो ऑलरेडी इस मसाले के अंदर शामिल होगा, तो इस स्टेज पे आप फिर दही शामिल कीजिए। ये देख लीजिए, दही को अच्छी तरह से अगेन हाई फ्लेम पे जो है वो मिक्स कर लीजिए मसाले में, वरना दही की वजह से जो है वो छोटी छोटी सी सफ़ेद गुठलियाँ बन जाती हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती। हम काफ़ी तेज़ फ्लेम पे जो है वो इसको इस वक्त पका रहे हैं, इसलिए ताकि दही कर्डल ना हो। और जैसे ही दही और मसाला अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में हम आके इसे चेक करते रहेंगे कि गोश्त गल गया है या नहीं गला है, और जैसे ही ये गोश्त गलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखिए, मसाला तकरीबन भुन चुका है, साइडों पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। हमने आपको पहले आलू दिखाए थे इंग्रेडिएंट्स में, हमने वो आलू थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल के अलग से बॉईल कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चिकन के साथ अगर आलू डाल दें तो वो ऊपर से तो पक जाते हैं मगर अंदर से कच्चे रहते हैं, तो बेहतर है कि आलू आप अलग से बॉईल करें और जिस टाइम पे आपका मसाला बिल्कुल तैयार होने वाला हो उस टाइम पे उसको शामिल कर दीजिए। मसाला तैयार हो जाने पे आप इसके अंदर लेमन जूस, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दीजिए। हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़ें साबुत मुँह में आएँ तो पसंद नहीं की जाती, तो इसी वजह से जो है वो मैं मसाले में शामिल कर लेती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो जिस वक्त हम बिरयानी की लेयर कर रहे होंगे आप उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी स्टेज है। ये देख लीजिए, मसाला बिल्कुल तैयार है, उसने साइडों से तेल छोड़ दिया हुआ है। एक और पैन में आप पानी गर्म होने रख दीजिए, उसके अंदर जो चावल के साथ हमने आपको मसाले बताए थे वो सारे मसाले और नमक शामिल कर दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो इसके अंदर चावल डाल दीजिए। चावल हमने उतनी देर तक उबालने हैं कि जब तक ये तकरीबन गल ना जाए, मगर याद रखिए कि चावलों को हमने मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है, तकरीबन 90% तक ये चावल आपने गलाने हैं क्योंकि दम में भी ये थोड़ी देर पकेंगे। ये देखिए हमारे चावल तैयार हैं, इनको अब हम ड्रेन कर लेंगे। याद रखिएगा कि चावल मुकम्मल तौर पर नहीं गलाइएगा। हमारा ये बर्तन बहुत ही खुले मुँह का है, इसमें हम सिर्फ 2 लेयर्स लगाएंगे। सबसे नीचे हमने चिकन का मसाला डाल दिया है, आप चाहें तो इस स्टेज पे इस पर हरी मिर्चें और धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले मिला दिया था तो हम नहीं डालेंगे। एक लेयर हम चिकन की लगाएंगे और इसके ऊपर अपने बॉयल शुदा चावल डालेंगे। ये देख लीजिए, ये हम चावलों के लेयर लगा रहे हैं। सारे चावल जो हैं वो आप चिकन के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए। हमारे चावल आप देख लीजिए खड़े खड़े हैं, हमने इन्हें मुकम्मल तौर पे नहीं गलाया है। चावल डाल देने के बाद इसके ऊपर आप कलर डाल दीजिए। हम दोनों तरह के कलर डालते हैं, येलो भी और ऑरेंज भी, उससे चावलों में 2-3 शेड्स आ जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। ये येलो कलर है और ये हम डाल रहे हैं ऑरेंज कलर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर बिरयानी को दम दे देंगे। शुरू में आप 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाइए और फिर हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए इस बिरयानी को। ये देखिए हमने तला हुआ प्याज डाल दिया है, अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे दम पे रख देंगे। मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार है, आप लोग भी ये बिरयानी अपने घर में बनाइए और हमें कमेंट्स देके ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।